सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन जंगी टैंक VT-4 खरीदेगा, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तान चीन का जदीद तरीन जंगी टैंक VT-4 खरीदेगा। इस जदीद टैंक को MBT-3000 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से इस टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का प्रोटोटाइप मंगवाया है। ये प्रोटोटाइप पाकिस्तान में आजमाया जा रहा है। मुख्तलिफ आजमाइशों के बाद ये तय किया जाएगा कि ये टैंक कितनी तादाद में खरीदे जाएं। इतलात के मुताबिक अगर ये जदीद तरीन टैंक पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पर उतरा तो पाकिस्तान चीन से अल-खालिद टैंक की तरह VT-4 टैंक का भी लाइसेंस हासिल करके इसे मुल्की सतह पर तैयार करेगा। पाकिस्तान में इसे अल-हैदर टैंक का नाम भी दिया जा सकता है। ये जदीद जंगी टैंक यानी VT-4 या MBT-3000 दरअसल अल-खालिद यानी MBT-2000 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। पाकिस्तान इस वक्त अल-खालिद 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि नई नस्ल का जदीद तरीन जंगी टैंक होगा। पाकिस्तान चीन से आजमाइश के लिए लाया जाने वाला VT-4 टैंक कई खसूसियात का हामिल है। ये टैंक 52 टन वजनी है। इसकी लंबाई 10 मीटर है जबकि ऊंचाई 2.30 मीटर है। इसे 3 लोग ऑपरेट करते हैं जिनमें कमांडर, ड्राइवर और गनर शामिल हैं। इसके आर्मर यानी बाहरी चादर की तफसीलात को खुफिया रखा गया है। इस बाहरी चादर का जंगी टैंक की हिफाजत में अहम किरदार होता है। इस टैंक की हिफाजत के लिए रीएक्टिव आर्मर की तह भी मौजूद होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।